सर्वेभ्यः नमो नमः, आर्य प्रणाम, नमस्ते। आइए आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी समास से अवगत होते हैं। समास होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं समसनम इति समास, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो सीधे पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के सूत्र द्वितीय अध्याय के पहला सूत्र है, उसमें वर्णन किया गया है समर्थः पदविधि। समर्थः पदविधि, पदानाम समर्थानाम पदानाम पदविधि भवति, पदविधि भवति यथा पश्यन्तु अत्र। अत्र किम अस्ति? अत्र संपूर्णा लेखनी नास्ति, संपूर्णा नास्ति। एतदर्थम अस्याः संपूर्णतायाः कृते एवमेव करणीया वर्तते। पश्यन्तु, आगच्छन्तु, अध्ययनं करिष्यामः। सम्बद्धार्थानां पदानां विधेर भवति यत्र तत्र किं भवति? समस्त पदस्य निर्माणं भवति। समस्त पदस्य निर्माणं येन प्रकारेण भवति तत्क्रियायाः नाम समासः। जिस शब्द का परस्पर संबंध होता है, वे आपस में समर्थ कहलाते हैं। अब ये दोनों क्या हो गए? समर्थ कहलाते हैं। जहाँ समर्थ होता है वहीं समास होता है, ये याद रखेंगे। जब दो पद, अब इसको अपने शब्दों में मैं कह रहा हूँ, यह तो पुस्तकों की बात थी, अपने शब्दों में मैं कह रहा हूँ, जब दो पद, समझिए, जब दो पद अपने अपने विभक्ति को छोड़कर, जब तक ये इस अकेला था ये, तब तक ये ढक्कन था और ये अर्ध नग्न पेन था, और जब ये कंप्लीट मिल गया तो ये पेन का नाम इसको दे दिया गया। तो इसी को कहते हैं कि जब दो पद अपने अपने विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं, तो समर्थ पद बनते हैं, और यही समर्थ पद बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और जो समस्त, अब देखिए, अब संक्षेप में इसको कहते हैं समसनम अनेकेषां पदानाम। अनेकेषां पदानाम, दो या दो से अधिक, ठीक है, यहाँ पर ठीक कर लेंगे। जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं तो समर्थ पद बनता है, और इसे ही समस्त पद बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षेप में समसनम अनेकेषां पदानाम एक पदी भवनम समासः, यह संक्षेप में है। अनेक, एक से अनेक या एक से अधिक पदों का संक्षेप होना, एक पद होना समास है। जैसे गंगायाः समीपम् उपगंगम, देखिए एक पद बन गया। अब राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, राजपुरुष, अब देखिए एक पद बन गया। तो राजा का, वो बीच में का जो विभक्ति लगी थी वो हट गया, राजपुरुष बन गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो एक पद बनने के बाद, एक पद बने पद को समस्त पद के नाम से जाना जाता है। अब कुछ बच्चे समझते ही नहीं है कि समस्त पद होता क्या है, तो उनके लिए मैं बता दूं, समस्त पद जब एक पद बन जाता है, दो शब्द यदि एक पद बन गया तो उसी को हम लोग कहते हैं समस्त पद, ठीक है। और समस्त पद का विश्लेषण करना ही समास विग्रह कहलाता है। और कक्षा आठवीं में केवल यही पूछा जाता है कि बच्चे ये बताइए कि जो दिया गया पद है, समस्त पद है, वह कौन से समास का है, ठीक है। तो उसके लिए
मैं बताऊंगा आगे, समस्त पद का विश्लेषण करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह भी समझ गए। अब यह समास, समस्त पद बनाना, समस्त पद का विग्रह करना, यह कक्षा दसवीं में पूछा जाता है। और दसवीं में पूछा जाता है कि भाई आप ये बताइए कि इसका उचित समास विग्रह क्या है, दिए गए शब्द का उचित समास विग्रह क्या है, क्या हुआ रहता है। बस आपको समझना होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है, और यही चेक करने के लिए कि आपने कितना बढ़िया ढंग से समास को पढ़ा है। तो आप यदि इस क्लू को जाने रहेंगे, इस टेक्निक को जाने रहेंगे कि समास को किस तरह से हमें याद रखना है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और समास का प्रयोग करने भी आपको मैं सिखाऊंगा अगली कक्षा में, एक एक करके। पहले अव्यय भाव समास समझाएंगे, फिर तत्पुरुष समझाएंगे, फिर द्वंद्व समझाएंगे, फिर द्विगु समझाएंगे, फिर जितने भी समास मैंने यहाँ लिख रखा है, दस प्रकार के जो समास हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह समास का यह इंट्रोडक्शन क्लास है, और यह क्लास आपके सारे समास को जानने का बेस है, आधार है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कक्षा को अवश्य देखें, अवश्य जानें। और नहीं आप ज्वाइन करते हैं, नहीं समझे हैं, तो एक बार पुनः एक बार इसको रिवाइन कर करके देखेंगे, आपको समास क्या होता है, किसे कहते हैं, और कौन कौन से समास हैं, यह आपको पता हो जाएगा। देखिए, समास के कुल 10 भेद हैं। अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, मध्यम पदलोपी, नया, बहुव्रीहि, द्वंद, अलुक और उपपद। उपपद समास तो आपके एग्जाम में जो आएगा वह है आपके सिलेबस में, अव्यय भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु, और चौथा है नया, और ये द्वंद और बहुव्रीहि, यही समास। केवल देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रकार के समास पूछे जाएंगे, तो आप 6 प्रकार के समास को ही कम से कम याद कर लेंगे, उनके सूत्रों को भी याद कर लेंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। पूर्व पद प्रधानो अव्यय भाव, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्यय भाव के नाम से जानते हैं, और जिस पद पद जिस समस्त पद का बाद वाला पद प्रधान होता है उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, और जब समान अधिकरण वाला होता है तत्पुरुष समास तो उसे हम कर्मधारय के नाम से जानते हैं। संख्या पूर्व द्विगु, यदि किसी समस्त पद का पहला पद संख्या पद है तो उसे हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं, और वही जब संख्या वाला पद तो होगा, परंतु ये ध्यान रखना है कि वो किसी तीसरे का बोध नहीं करा रहा है, यदि किसी तीसरे का बोध कराएगा तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और आगे है संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, जब संख्या वाचक शब्द होगा जिस समस्त पद का, उसको हम लोग कहेंगे द्विगु समास। और साक पदार्थादि नाम उत्तर पदलोप, यह आपको नहीं पढ़ना है, जिसको कहते हैं मध्यम पदलोपी। और नया, नया यदि जिसमें और न सत्य असत्य है ना, सत्य का असत्य, न सत्य असत्य, न सत्यम असत्यम, यही है नया तत्पुरुष समास। ठीक है, चार से द्वंद्व, द्वंद जब दोनों पद प्रधान होता है तो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, ढक्कन भी पेन भी, तो ये दोनों का दोनों, ढक्कन और पेन, माता और पिता, भाई और बहन, ठीक है, गुरु और शिष्य, दोनों के दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, तो वैसे पद को हम लोग कहते हैं वह पद प्रधान द्वंद्व। अनेकम अन्य पदार्थ है, अनेकम अन्य पदार्थ है, यदि दो पद मिलकर के किसी तीसरे शब्द का बोध करा रहे हों तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको समास का परिचय बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। समास किसे कहते हैं, समास के कौन कौन से भेद हैं, वह आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में हम सभी समास के जो विशेष सूत्र हैं उनको जानेंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं, अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावत्यासं प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यतानुपूर्व योगपदृश्यादृश्य साकल्यांत वचनेषु, यह जो है सूत्र है, अष्टाध्यायी का ही सूत्र है, अष्टाध्यायी का ही सूत्र है। और ये अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि
वैद्यर्थाभावत्यासंप्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यधानु पूर्व योगपद्य सदृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति इन शब्दों के योग में अव्यभाव समास का हम लोग प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं आप सबों को यह अव्यभाव समास के जो सूत्र हैं समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए हैं तो फिर से मैं अव्यभाव समास और तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास सभी समासों के अलग अलग विभागों के साथ मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा, आप भी देखना ना भूलें। अतः पुनः एक बार निवेदन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।